मैं बहुत स्वागत करता हूं श्री सुरेश भाई कोटक का, जो कोटक के चेयरमैन है और कपास और रुई उद्योग में को पितामह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही गंभीर और कपास के विषय में इनकी जो रुचि है, इनका जो स्टडी है और इनका जो अनुभव है वो बेजोड़ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश भाई जी। मनीष भाई, थैंक जी यू। आपका आभार। आज का सेमिनार जी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जी क्योंकि बदलता संजोगों, हाँ बदलती दुनिया जी और नया दौर शुरू जी होने वाला है। कोविड ने सारी दुनिया को पलटा दिया है। जी हमें रहने का तरीका, हमें काम करने का तरीका, इवन हमारा एग्रीकल्चर, ये सब पलट जाएगा। एक बात जरूर है मनीष भाई, कि जी एग्रीकल्चर का महत्व और बढ़ेगा। अच्छा उसका दो कारण है। जी एक कारण कि अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए हाँ पांच पंचशिला जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उसमें सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन बिगिंस विथ एग्रीकल्चर एंड हमारी सब सप्लाई चेन आप निरीक्षण करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस से ही शुरू होगी। तो नेचुरल, और एक बात जरूर है कि जो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाई लाइन स्ट्रांग हो गई तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है बहुत जल्दी, बहुत आगे। इवन चाइना को खाने पीने का माल, फूड प्रोडक्ट्स, इवन रू कॉटन, ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया है, लेकिन सप्लाई चेन वो बेसिक मुद्दा हमारे पास पड़ा है। और हम जो एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो ये मुद्दा बड़ा जोर से मजबूत हो जाएगा। मेरे हिसाब से मनीष भाई, जी आप जो एग्रीकल्चर के लिए धर्म युद्ध खेल रहे हैं, धर्म युद्ध इसीलिए, मैं लोगों की मनोवृत्ति जानता हूं कि एग्रीकल्चर को लास्ट रैंक दी जाती है, लेकिन क्योंकि वहां कठिनाई है, फील्ड पे काम करना है और जी बहुत सा युद्ध करना है, तो उसी लिए आप जो काम कर रहे हैं उसी लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। खाली प्रशंसा नहीं, पर आप जो तन मन धन से सेवा करते हैं उसको मैं बड़ी दाद देता हूँ। तो आप जहां भी कहते हैं मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और खड़ा रहता हूँ। तो ये कह के मैं आज का सेमिनार के लिए इतना शुभ वचन कहना चाहता हूँ कि आज का सेमिनार जो प्रोक्योरमेंट और के लिए बहुत अगत्य का हो जाएगा, और जो नई गतिविधियां जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी वो शुरू हुई है, वो जी हमें बहुत आगे ले जा सकती है। आगे क्यों ले जा सकती है? क्यों कि हाँ कलेक्टिवाइजेशन, जो हमारी एग्रो इकोनॉमी में कलेक्टिवाइजेशन नहीं था, ये कलेक्टिवाइजेशन ये आ, 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 एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से मिलेगा। इससे साइंस, रिसर्च, फील्ड वर्क, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रोटेक्शन और इवन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंटीग्रेशन होता है। तो जी ये जो इंटीग्रेशन से हमारा कंट्री को बहुत फायदा मिल सकता है, और जो सप्लाई चेन का मजबूती का जो बताया गया है और जो निर्देश किया गया है कि हमारे लिए जरूर है, तो हमारे आत्मनिर्भर होने के पर्याय में ये एग्रीकल्चर और जो मनीष जी कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम सब में ये वेबिनार के लिए शुभकामना करता हूँ, और आप सबके मैं सुनूंगा, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑलवेज। आप सबका राय, आप सबका मत और आप सबका अप्रोच मैं समझना चाहता हूँ। और तो आप, मैं इतना कह के मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू।
बहुत बहुत आभार आपका सुरेश जी। सुरेश जी ने जिस तरह कहा कि एग्रीकल्चर एक इंस्टीट्यूशन है, एक रिसर्च है, एक प्रोफेशन है, एक एग्रीगेशन है, और सभी आत्मनिर्भर के ताके जो रास्ते हैं वो अगर एग्रीकल्चर से हम शुरू करें हैं, अगर इस राह से हम गुजरते हैं तो आत्मनिर्भर भारत को होने से तो कोई नहीं रोक सकता, पर यहाँ से अपनी प्रगति भी कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत आभार, और आपके शुभ आशीष और शुभ वचन हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं सुरेश भाई, और बहुत सारे भारत के किसानों की दुआ भी आपके साथ में है। हमारी तरफ से आपको भी शुभ मंगल कामना।